क्या सलमान खान की पहल के कारण बॉक्स ऑफिस पर लौटेगी फिल्मों की रौनक? क्या थिएटर मालिकों को मदद करने के लिए इंडस्ट्री में जब कोई भी कदम नहीं उठा रहा था तब सलमान खान ने उठाया कदम? क्या सलमान खान के इस कदम उठाने की वजह से अब थिएटर्स पर अगले 6 महीनों में 1500 करोड़ की कमाई हो सकती है? बोले ऐसी ही कुछ बात सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले कई सारे थिएटर मालिकों ने मिलकर सलमान खान को लेटर लिखा था और कहा था कि भाईजान जो है अपनी आने वाली फिल्म राधे को बॉक्स ऑफिस यानी कि थिएटर्स पर ही रिलीज करें, ओटीटी पर रिलीज नहीं करें। कुछ ही दिनों बाद सलमान खान के पास वो लेटर पहुंचा और सलमान खान ने इस पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करके ऐलान कर दिया था कि राधे अब अगर रिलीज होगी तो सिर्फ और सिर्फ थिएटर में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये पहले रिलीज नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भेड़ चाल चलती है, सलमान ने जैसे ही थिएटर में अपनी फिल्म को रिलीज करने की घोषणा की उसके कुछ ही दिनों बाद यशराज फिल्म्स ने अपनी 5 फिल्मों की रिलीज डेट घोषित कर दी। इसके अलावा हाल ही में अक्षय कुमार ने अनाउंस किया कि किस तरह से उनकी आने वाली फिल्म बेल बॉटम जो है वो भी बॉक्स ऑफिस पर ही रिलीज होगी। साथ ही कुछ और भी फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। सलमान की अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन 10 फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट अनाउंस हुई है और ये अगले 6 महीनों में रिलीज होने वाली है। ये सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिसमें बड़ी स्टारकास्ट शामिल है। उनमें से कुछ ही नाम मैं आपको गिनाना चाहूंगी, जैसे कि 19 मार्च को रिलीज होगी अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारिंग संदीप और पिंकी फरार। इसके बाद बंटी बबली 2 आने वाली है जिसमें सैफ अली खान और रानी मुखर्जी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। 28 मई को अक्षय कुमार की बेल बॉटम और 4 मई को रणवीर सिंह की 83। जहां अगस्त में जयेश भाई जोरदार और अतरंगी रे रिलीज होने जा रही है, वहीं दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार आएंगे पृथ्वीराज लेकर। तो कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है इसी साल। कहा जा रहा है कि रिलीज होने के लिए फिल्मों की कतार लगी हुई है। बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट क्योंकि एक ओकेजन पर कोशिश की जाती है कि लॉन्ग वीकेंड पर ही रिलीज की जाए, ऐसे में कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट अभी अनाउंस होनी बाकी है जो रिलीज के लिए तैयार है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन फिल्मों, ये जो 11 फिल्मों की लिस्ट बनी है, इसी को देखकर कहा जा सकता है कि 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करेंगी, क्योंकि ये फिल्में सारी फिल्में बड़ी है और पिछले 10 महीनों में थिएटर मालिकों का जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान इन 6 महीनों में ही भर जाएगा।